फतेहाबाद क्षेत्र के हथियारबंद बदमाशों का आतंक। कंपाउंडर के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर की लूटपार। 1,20,000 की नकदी समेत सोने चांदी से आभूषण लूटकर ले गए बदमाश। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। 8 दिन में भीतर फतेहाबाद क्षेत्र के तीसरी वारदात। रात क्या घटना हुई है? घटना ये मेरी रात, मैं यहाँ पे सो रहा था जब चोरों ने आकर मुझे गाया कि खड़ा हो गया, तो मैं क्या करना है कि तेरे घर हमें तलाशी लेने क्या है तेरे घर में, तो मैंने मेरे पास कुछ नहीं। पहले उन्होंने बोला जीता के जीता कट्टा वगैरह और तुम हथियार थे उनके पास। पहले उन्होंने फिर जाँच वाच थी कि मेरे पास चाबी उन्होंने माता जी के पास मैं सो रही थी, पर लेकिन उन्होंने फिर जोच थी कि और चाबी ले करके यहाँ पे आए आकर के अंदर पैसे रखे थे, जेवरात थी और कागज वगैरह बेचे थे वो सब। कितना रुपया? 1,20,000 रुपये थे और चैन भी थी, 4 अंगूठी और वैसे सामान था मेरा। अच्छा, शोर मचाया था आपने? ना शोर मचाया था मैंने, पर लेकिन उन्होंने वही दबा दिया, चुपचाप हो जा, गोली मार देगी। अच्छा, तमंचा तोड़ के दिखाया था? तमंचा तोड़ के दिखाया था, ये देख गोली मार रहा होगा, ये देख ये तमंचा, इसमें गोली रखी है। अच्छा, जाते वक्त क्या क्या कह गए हैं आपसे? जाते वक्त क्या कह गए, अगर तुमने पुलिस को फोन किया या कुछ भी कहा तुमने तो हम फिर आएंगे। जेवरात कितने के थे आपके करीब करीब? जेवरात होंगे 2,00,000 के। शांति स्वरूप। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? ऊपर छत पर सो रहे थे, 4 आदमियों ने लिए, 3 कट्टा थे, फरसा था, हमारी तलाशी ले ली, मार ले लिया कि इन पर कट्टा वट्टा तो नहीं, देख लो। फिर हमसे कहा बच्चा को बुलाओ, मैंने कहा बच्चा है नहीं, बहू का ऑपरेशन हुआ, बच्चा हॉस्पिटल। फिर देखे चुपचाप सो जा, चुप ओढ़ के सो जा, और नीचे आए सही हम ठाड़ होके देखा सही, एक फिर पहुँच गया वो सो सीढ़ी पे खड़ा रहा कट्टा के लिए। कितने आदमी थे? 4 आदमी। कितने बजे की बात है? 1:30 बजे की, 1:25 पे मैं जगा था। अच्छा, ठीक। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।